ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ बेटा। एम्फीबिया का मतलब है हमारे पास जो ड्यूअल लाइफ में रहते हैं, क्योंकि बिया वर्ड यहाँ पे ये बायोस से ला रहा है, मतलब जिसकी ड्यूअल लाइफ है। ड्यूअल लाइफ का मतलब लैंड भी है और वाटर भी है, लेकिन ये पानी के लिए इनका मीनिंग रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक, क्लियर। एम्फीबिया कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, दोनों तरह के हैबिटाट में ये रह सकता है बेटा। क्लियर, दोनों तरह के हैबिटाट में ये रह सकता है। अब जरा आगे जाते हैं, ध्यान सुनो बेटा। ये आपके सामने एम्फीबिया है। देखो एम्फीबिया में कौन कौन आता है। एक इस तरीके का ऑर्गेनिज्म आता है जिसे सेलमेंडर कहते हैं। सेलमेंडर दिखता तो रेप्टाइल जैसा है पर रेप्टाइल नहीं है ये। दूसरा है जिसे हम फ्रॉग कह रहे हैं, और तीसरा हमारे पास कुछ ऐसा होता है स्नेक टाइप का। क्लियर, तो ये तीन तरह के एम्फीबिया आपके सिलेबस में, ठीक है, तीन तरह के एम्फीबिया आपके सिलेबस में। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। हम क्या करते हैं, इनमें से जो मैक्सिमम है उनकी बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बॉडी को डिवाइड करते हैं हम किसमें, हेड और ट्रंक में। मतलब इस तरीके से हम जैसे ये फ्रॉग बना रहे हैं, तो इस पार्ट को हम हेड लिख रहे हैं और दूसरे पार्ट को हम क्या लिख रहे हैं, ट्रंक लिख रहे हैं। तो हेड और ट्रंक, ऐसे हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। बॉडी को हम ऐसे क्या करते हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक हम लिखते हैं हेड और एक लिखते हैं हम लोग ट्रंक। तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, बॉडी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक लिखा हेड और दूसरा लिखा ट्रंक, दूसरा लिखा ट्रंक। एक मैंने हेड लिखा और दूसरा क्या लिख दिया, ट्रंक। ऐसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, हेड और ट्रंक। क्लियर, बॉडी को ऐसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, हेड में डिवाइड कर लिया और किस में डिवाइड कर लिया, ऐसे ट्रंक में डिवाइड कर लिया। ध्यान से सुने बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। अब हम क्या कह रहे हैं बच्चे, कुछ में इस ट्रंक में, कुछ में इस ट्रंक में टेल हो भी सकती है और कुछ में नहीं हो सकती, जैसे आपके सामने है। ध्यान से सुनो, सुनना इस चीज को। देखो असल में क्या होता है, एम्फीबिया की हम तीन क्लास पढ़ते हैं। एम्फीबिया तीन तरीके के पढ़ते हैं। एक जिसमें पैर नहीं है उसे कहते हैं ए पोडा। पोडा होता है पैर, पोडा का क्या मतलब होता है, फुट। तो ए पोडा का मतलब जिसमें फुट नहीं है। एक हम लिखते हैं बेटा, एक हम लिखते हैं एन्यूरा और एक लिखते हैं यूरोडेला। तो हम क्या करते हैं, ए पोडा का मतलब ये हमारे पास ये हो गया। अब जिसमें टेल नहीं है उसको हम कह रहे हैं एन्यूरा। तो कुछ में टेल, देखो इसमें टेल नहीं है ना फ्रॉग में, तो फ्रॉग में टेल नहीं है, इसमें पैर नहीं है, इस वाले में टेल है। तो हमने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये यहां तक हेड हो गया और बाकी ट्रंक हो गया। क्लियर, कुछ में टेल नहीं होती और कुछ में टेल प्रेजेंट होती है। आपको समझ आ रही है चीज बेटा, बताओ जल्दी से। यस सर, यस सर, क्लियर, ये क्लियर है आपके सामने। दूसरा बच्चे ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा रहा हूं। देखो हमारे पास जो मान लो फ्रॉग है, ये ऐसे फ्रॉग है कोई, इस फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की कॉमन ओपनिंग है, उसे हम क्लोएका कहते हैं। मतलब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो मैं किसका किसकी ओपनिंग लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना इस चीज को, मैंने यहां पर लिखा किडनी। किडनी मान लो, यहां किडनी बना दी। किडनी से कौन सा वेस्ट आता है, नाइट्रोजन वाला वेस्ट। फिर ये एलिमेंट्री कैनाल का आ गया एक ट्यूब, और एक ट्यूब आ गई हमारे पास, किससे आ गई हमारे पास, जैसे ये किडनी का मतलब हमारे पास यूरिनरी, और ये मेरे पास एलिमेंट्री कैनाल, और रिप्रोडक्टिव का मतलब ओवरी। ओवरी से जो ट्यूब आ रही है ये, तो ये कॉमन ओपनिंग हो गई इसकी, इसको क्लोएका कह रहे हैं। क्लोएका समझ आ रहा है क्या होता है, बोलो बेटा। क्लोएका क्या हो गया, देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप मैमल की बात करो, यूरिनरी यूरिथ्रा जो है, यूरिथ्रा किसकी ओपनिंग है, किडनी की ओपनिंग है।
एनस किसकी ओपनिंग है? एलिमेंट्री कैनाल की. और मेल में यूरिथ्रा, ध्यान से सुनो बेटा, मेल में यूरिथ्रा हमारे पास यूरिथ्रा और रिप्रोडक्टिव ट्रैक की कॉमन ओपनिंग है मेल में, फीमेल में ओपनिंग अलग है. तो हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं बेटा आपको, हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि जो बेसिकली हमारे पास जो इसमें है, इसमें क्या नाम है, एम्फीबिया में इन तीनों की ओपनिंग्स क्या है हमारे पास, कॉमन है, उसे हम क्लोएका कह रहे हैं. उसे हम क्या कह रहे हैं? क्लोएका. क्लोएका का मतलब यूरिनरी, एलिमेंट्री कनाल और ओवरी, इनकी कॉमन ओपनिंग हो गई. ठीक है, अब थोड़ा सा मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चे. रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स. रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? बाय गिल्स हो रहा है. कैसे हो रहा है? बाय गिल्स, लंग्स और स्किन. अब इसमें बड़ा स्पेशल चीज है, सुनो देखो. मान लो मैं फ्रॉग लिखता हूं, फ्रॉग का बेटा एक है लार्वा और एक है एडल्ट. जो लार्वा है वो गिल्स से रेस्पिरेशन करता है और स्किन से भी करता है. जो एडल्ट है वो लंग्स से करता है और लंग्स के साथ क्या करता है? लंग्स के साथ बेटा वो गिल्स और स्किन कर रहा है, लंग्स के साथ स्किन. तो इसलिए हमने तीनों लिख दिए यहां पर. तीनों कौन से लिख दिए? गिल्स, स्किन और लंग्स. समझ आ रहा है बच्चे? जो पानी में मिलेगा एम्फीबिया उसमें क्या होंगे? गिल्स. और गिल्स के बाद क्या बन जाते हैं? लंग्स बन जाते हैं. हम ये कहते हैं कि जो फ्रॉग का लार्वा है, जिसे आप नाम देते हो टैडपोल लार्वा, उस टैडपोल लार्वा का एडल्ट बनता है, जिस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो? मेटामॉर्फोसिस. याद है? बोलो बेटा. यस सर. क्या नाम देते हो? मेटामॉर्फोसिस. तो जो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें लार्वे से हम क्या बनाते हैं बेटा? एडल्ट बनाते हैं. लार्वे से आप क्या बना लेते हो? एडल्ट बना लेते हो. इस प्रोसेस में गिल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लंग्स में. लार्वा देखो क्या होता है, लार्वा में टेल होती है, एडल्ट फ्रॉग में नो टेल, तो वो टेल भी डाइजेस्ट हो जाती है. आई समझ नहीं आई सर? तो बोल बेटा. सर तो फिर वो गिल्स से लंग बनता कैसे है? बच्चे गिल्स जो लंग्स, तो लंग्स के लिए स्ट्रक्चर पहले से होता है, गिल्स बंद हो जाते हैं. ओके सर. लंग्स होते हैं पर काम नहीं कर रहे होते, जैसे बच्चों में भी लंग्स होते हैं ना, तो बाय बर्थ काम करते हैं, आफ्टर बर्थ काम करते हैं, उस तरीके से कुछ है. वो जो टेल कहां जाती है? डाइजेस्ट कर देते हैं रिद्धि. एक्चुअल में क्या करते हैं, हमारे पास टेल जो है, टेल जो है हमारे पास, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं. जो भी टेल होती है उसको क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं. डाइजेस्ट का मतलब उसको, मतलब एक तरीके से मान लो हाथ है, हाथ गलता चला गया, ऐसा कुछ हो रहा है, उस तरीके से है. क्लियर? अच्छा एक चीज और बेटा ध्यान सुनो, एक चीज समझ लो. इसकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, तभी स्किन से रेस्पिरेशन पॉसिबल है. समझ आ रहा है सबको? बेटा फ्रॉग की स्किन चिपचिपी होती है. देखो स्किन से कैसे रेस्पिरेशन होता है, स्किन पे मॉइस्चर है, ऑक्सीजन पहले उस पानी में डिसॉल्व होता है, उस पानी से अंदर जाता है. समझ आया? यस सर. स्किन पे जो मॉइस्चर होता है, पहले पानी उसमें जाता है, सॉरी ऑक्सीजन उसमें जाता है, उससे फिर वो अंदर जाता है. बेटा मैं ये कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अजय रुक जा एक मिनट, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं उनकी स्किन पर मॉइस्चर होना जरूरी है, और वो मॉइस्चर ग्लैंड्स के थ्रू आता है. तो हम कह सकते हैं इसके स्किन पर ग्लैंड्स होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ मॉइस्चर आता रहता है. यहाँ पर क्या आता रहता है? मॉइस्चर आता रहता है. और हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो स्किन पर ये मॉइस्चर है, मान लो ये स्किन पर हमें मॉइस्चर दिख रहा है, तो ये पानी है मान लो इसके सरफेस पे, स्किन पे मॉइस्चर है, तो पहले ऑक्सीजन इस मॉइस्चर में जाती है और फिर यहां से अंदर जाती है. क्लियर? पहले ऑक्सीजन मॉइस्चर पे जाती है, फिर वहां से अंदर जाती है. क्लियर? वहां से क्या करती है? अंदर जाती है. फिर गिल्स के थ्रू अंदर जाएगी. हाँ, ये स्किन के थ्रू अंदर जाएगी ना. तो फिर मॉइस्चर की नीड क्या है यहाँ पर? है
क्या चीज सर, बेटा? यहाँ पर फिर मॉइस्चर की नीड क्या है स्किन के ऊपर? सर बच्चे स्किन अगर के ऊपर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट क्या है? नहीं समझ रही है, देख इसकी जो स्किन है ना, उस स्किन के अंदर ब्लड की ट्यूब्स है, तो उन ब्लड की ट्यूब्स में वो मॉइस्चर के थ्रू ही जाएगा, जो उसके सरफेस पे मॉइस्चर होता है। हमारी स्किन पे ग्लैंड नहीं है बेटा, हमारी Without moisture, ग्लैंड है तो स्किन पे क्या चीज सर, फिर से बताना। जी, हमारी स्किन पर स्वेट ग्लैंड है तो सर तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता ग्लैंड, मतलब स्किन बेटा पे सरफेस पर कैसे? होता है, सरफेस पे। सुजल क्या कर रहा है यार, तुम लोग कैसे कैसे, पहले रुको 2 मिनट रुको, मैं क्या बताया जा रहा हूँ कोई सुन भी नहीं रहा ध्यान से। मैं कह रहा हूँ स्किन पर बड़े ट्यूब्स होती है ब्लड की, ऑक्सीजन पहले स्किन में जाती है, इसमें इस पानी में जाती है, फिर अंदर जाती है। क्लियर? ये चीज समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा वो हूँ इनके पास रेस्पिरेशन के 2 तरीके होते हैं। अगर लंग्स हैं, लंग्स और स्किन होगा, और गिल्स होगा हमारे पास, और साथ में स्किन होगा। क्लियर? हाँ जय पूछ। रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन, हार्ट कितने चैम्बर है? हार्ट थ्री तीन कितने चैम्बर है बेटा? तीन चैम्बर है, थ्री तो हार्ट हमारे पास 3 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। और दीज आर बेसिकली क्या है, कोल्ड ब्लडेड। और हार्ट 3 चैम्बर में 2 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल है, देख लो। क्लियर? दिख रहा है सबको? यस सर। देख लो बेटा, 2 आर्टरी है आपके सामने और 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। 1 वेंट्रिकल है ये आपके सामने, 1 वेंट्रिकल है, 2 आर्टरी में। तो इधर तो हमारे पास कौन सा ब्लड है? यहाँ इधर होगा हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड, इधर होगा ऑक्सीजनेटेड, यहाँ मिक्सिंग होती है ब्लड की। क्लियर? यहां से क्या होगी, मिक्सिंग होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हार्ट कितने चैम्बर है? 3 3 चैम्बर। इससे पिछले वाले में थ्री कितना था? दो। टू क्लियर? अब सर देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से बच्चों, जिनकी स्किन मॉइस्ट होती है उस पे स्केल्स नहीं हो सकते। अगर स्केल्स होंगे तो ग्लैंड्स नहीं होगी। मतलब अगर किसी को अपनी स्किन को मॉइस्ट रखना है तो क्या प्रेजेंट होंगी? प्लान ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। और अगर अगर हमारे पास, ध्यान सुनो बच्चे, अगर हमारे पास उसको, अगर उसको अपनी स्किन को हार्ड कवर देना है तो फिर ग्लैंड्स नहीं होंगी। तो एम्फीबियन की स्किन मॉइस्ट होती है, इसलिए क्या नहीं होते उसको, स्केल्स नहीं होते। स्केल्स क्लियर नहीं है? होते हैं। जी अब सर। मैं अगर इसके अगले ग्रुप में जाऊंगा, रेप्टाइल, रेप्टाइल में स्केल्स होते हैं, तो इसका मतलब सरफेस पे क्या नहीं होगी, ग्लैंड्स ग्लैंड्स नहीं होगी, नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगी। हाँ देखो भाई। सर हाँ बेटा, फ्रॉग्स होते हैं, सॉरी एम्फीबियंस होते हैं, अच्छी आवाज कट रही थी, पर ताकि वो सर अभी आ रही है आवाज आ रही, बोल बच्चे। सर। जैसे जो एम्फीबियंस होते हैं वो पानी रहते हैं, तो इसलिए उनका मतलब ताकि उनकी स्किन से रेस्पिरेशन होता है, इसलिए उस पे वो मॉइस्चर सिक्रीट होता है ना। एम्फीबियंस तो सर जो हाँ स्टेज पड़ी हुई थी फिर सर तो फट जाएगा, इनका बदला फट जाता है हल्का सा। इसका हो सकता है कुछ प्रोटेक्शन हो एक्स्ट्रा, पर टिम्पेनम ही वो कान का पर्दा होता है जो वाइब्रेट करके वाइब्रेशन आगे भेजता है, क्योंकि साउंड एक तरीके की वाइब्रेशन है ना, तो यस सर। टिम्पेनम डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ये रहा टिम्पेनम। और आई में आईलिड्स होते हैं, कवर होता है, हमेशा याद रखो आईलिड्स प्रोटेक्शन के लिए होती है। जब लाइफ लैंड पर आई तो आईलिड्स बनाना पड़ गया। पार्टिकल्स ना लगे। क्लियर? अब जरा ये देखो बेटा, इनमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट का मतलब यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन कैसी है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इसका क्या मतलब है सुनो, जब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग दोनों अपने गैमेट्स पानी में रिलीज कर देते हैं, इसने स्पर्म रिलीज कर दिया, इसने एग रिलीज कर दिया, एग रिलीज करने से इनको ओविपेरस कहते हैं। अगर ये एग लेंगे तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओवीपेरस। उसके बाद स्पर्म जाकर इसको फर्टिलाइज कर देगा,
स्पर्म जाकर इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। तो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग, क्लियर, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग ये है हमारे पास, क्लियर, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग ये है हमारे पास, ठीक है। तो दो तरीके का है, क्लियर, दो तरीके का है, यहां पर समझ लो इस चीज को। तो जो मेल फ्रॉग है और फीमेल फ्रॉग दोनों अपने गैमेट रिलीज करते हैं, गैमेट पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए ये पानी के दूर जा नहीं सकते, इनको पानी फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, सेक्सेस आर सेपरेट, क्लियर। अब एक खास चीज याद रखो बेटा, ये सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मैरीन में नहीं मिलते एम्फीबियंस, समझ लो ध्यान से, मैरीन में नहीं मिलते, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। तो इनमें बेटा हमारे पास क्या है, दे आर ओवीपेरस, एगलेइंग है, देख लो आपके सामने एगले किया इसने, और डेवलपमेंट क्या होगी, इनडायरेक्ट, मतलब जब जाइगोट बन जाएगा उससे हमारे पास लार्वा बनता है, उससे हमारे पास क्या बनता है, लार्वा। लार्वा कहां रहता है, पानी में, और एडल्ट कहां रहता है, लैंड पर। मुझे कोई बता सकता है इसका कोई फायदा है कि लार्वा पानी में रहता है, एडल्ट लैंड पर रहता है, इस बात का कोई फायदा है, बताएगा कौन, सोच के बताना सर। जो लार्वा है, सोच के बता बेटा, तुक्के नहीं मारा करते, तेरे को बहुत समझाता हूं। लार्वा पानी में, एडल्ट लैंड पर, क्या फायदा है उससे, सब तेरे को दिखेगा नहीं लार्वा, और वो इजीली नहीं होगा, क्या चीज बेटा, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगा लार्वा पानी में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सोच के बताओ, लार्वा की मूवमेंट होगी, लार्वा में टेल होती है तो सर, और उसके पास लेग नहीं होते हैं, तो सर उसे मूवमेंट के लिए वाटर में कुछ हिलाना पड़ेगा। लार्वा पानी में है, एडल्ट लैंड पे, उसकी कोई एडवांटेज है तो बताओ सोच के, नहीं तो मैं बताऊं। नो आइडिया सर, हमने अनुश्रुति आवाज तेरी कट रही है, और हमने कहा था सर की टेल डाइजेस्ट हो जाती है एडल्ट में, तो टेल जो है एडल्ट में डाइजेस्ट हो जाएगी, तो जो टैडपोल है उसको वो हेल्प करेगा स्विमिंग में, वाटर में। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई एडवांटेज है कि वो पानी में रह रहा है और ये लैंड पे रह रहा है। सर उसके पास शायद गिल, वो होते हैं ना गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बाद बाद में डेवलप होते हैं। ये बता रहा है कि क्यों रह रहा पानी में, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नहीं, तू ये बता रहा है कि किस चीजों की मदद से रह रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लार्वा पानी में लैंड पे एडल्ट है, रीजन उसका फायदा। कोई बता सकता है सर, आप ही बता दो, सोच लो यार थोड़ा सा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा खाना छीन लिया हो और खुद खा गए हो? ऐसा होता है क्या? नहीं, नो सर, नहीं होता। रीजन क्या है? अच्छा तुम जब छोटे रहे होगे, मान लो एक साल के, एक ईयर के रहे होगे, अगर तुम्हारा कंपटीशन हो जाए तुम्हारे पेरेंट के साथ खाने का, जीत पाओगे? नो सर, जीते देंगे पर हम जीत नहीं पाएंगे। मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, आप सोचना इस बात को, मैं कुछ बातें डीप भी बताता हूँ। आप जरा ये सोचो कि क्योंकि मेल और फीमेल ने अपने गैमेट्स रिलीज कर दिए, तो जो बच्चा बनेगा उनको पता नहीं है वो किसका है, तो पेरेंटल केयर तो नहीं होगी। पेरेंटल केयर तो तभी होगी ना जब बच्चा अपने पास रहेगा काफी दिन तक। नहीं समझ आई बात? आ गई सर। अगर पेरेंटल केयर नहीं होगी, सुनो ध्यान से, अगर पेरेंटल केयर नहीं होगी और अगर दोनों लैंड पर होते तो एडल्ट कॉम्पिटिशन करता लार्वा से खाने को लेकर, क्यों नहीं करता, खाना सेम होता। अगर लार्वा और एडल्ट कम्पीट कर जाते तो डेफिनेटली हर बार एडल्ट जीतता, तो मर ही नहीं जाता वो। नहीं समझ आई? आ गई समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब देखो, हाँ बेटा, सर तो फिर, हाँ बोलो बेटा, अभी आ रही है आवाज, आ रही है, बोल जल्दी बोल
सर फिर मतलब उन्हें कैसे पता कि लैंड पर उनका कंपटीशन ज्यादा होगा इसलिए उन्हें लावा बनाया है? उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता, नेचर को पता है ना, ओके सर, नेचर इज इनविजिबल फोर्स ना, जो अपने आप सिलेक्शन के थ्रू काम कर रही है। अब मुझे बताओ जरा, अब धीरे धीरे इसके बाद वाले ग्रुप्स में पेरेंटल केयर बढ़ी है, पेरेंटल केयर समझ आता है अपने बच्चों को यस प्रोटेक्ट सर, करने की एबिलिटी। अब इसके बाद है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स अपने एग को बचा के रखते हैं कि नहीं, है यस सर, कि नहीं, तुम बताओ खुद से। हाँ सर, यस सर, उसके बाद आते हैं बर्ड्स, बर्ड्स हैच करते हैं अपने बच्चों को, फीड करते हैं। यस सर, और उसके बाद आते हैं मैमल्स, मैमल्स तो इतना ज्यादा केयर करते हैं, तुम देखो खुद से, तुम्हें कम से कम मान के चलो 24-25 साल तक खाना खिलाएंगे, मतलब पैसे देंगे तुम्हारे लिए, इतना कौन करता है पेरेंटल केयर, किसी ग्रुप में नहीं है। एक्सट्रीम फॉर्म प्राइमेट्स में, नहीं समझ आया, आ गया? सर तो मतलब से पहले किस पे ज्यादा केयर नहीं हुई? बेटा इससे पहले कुछ इंसेक्ट्स में है पेरेंटल केयर, अगर तुम देखोगे एंट्स वगैरह जो होती है अपने एग्स सर पे लेके जाती है, तो कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनके पास पेरेंटल केयर है, पर वो सोशल इंसेक्ट्स हैं लाइक हनी बी, एंट्स वगैरह। आ रहा, समझ नहीं आ रहा? यस मतलब ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं नहीं बेटा, एग्जाम्स। क्वेश्चन हर चीज के क्वेश्चन नहीं होते, कुछ चीज के लॉजिक भी होते हैं। तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि इसके बाद से पेरेंटल केयर बढ़ी है, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा तो पेरेंटल केयर नहीं हो सकती, पेरेंटल केयर होने के लिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें पता रहना चाहिए उनका बच्चा कौन सा है। नहीं समझ आ गई बेटा, बोलो। सर आ गई समझ में? हाँ क्लियर? सर, टिम्पेनम याद रखेंगे आप, ध्यान से सुने बच्चे, टिम्पेनम आपको पता होना चाहिए, आईलिड्स पता होना चाहिए। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, ह्यूमन की आईज में आप एक थोड़ा सा कुछ ऐसा देखते हो रेड टाइप का। असल में क्या होता था, जो फिश होती है ना, ध्यान सुनो, फिश है, मान लो ये फिश बना दी मैंने, फिश की जो आई है ना, उस आई को एक पतली सी लेयर कवर करती है, उसे कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, क्योंकि फिश पानी में रहती है और पानी में उसकी आंख में डैमेज ना हो जाए तो एक प्रोटेक्शन चाहिए। उस प्रोटेक्शन का नाम क्या है, उस प्रोटेक्शन का नाम क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या नाम है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो ह्यूमन में वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती तो नहीं, क्योंकि हम तो लैंड पर रहते हैं, हमारी आंख को तो प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तो यहाँ साइड में उसका वेस्टिजियल पार्ट होता है। समझ आया नहीं आया? मान लो मैं कह रहा हूं फिश की आंख पे आइस पर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन जैसा कवर होता है जो उसकी आइस को बचाता है। आई समझ? यस, तो हमारे सर अंदर मतलब वो हमारे कवर, वाले का कैसे? हाँ हमारे अंदर वो कवर ना होके साइड में बहुत थोड़ा सा होता है, तो एक तरीके की वेस्टिजियल चीज है, क्योंकि हम तो एयर की लाइफ में है ना। तो धीरे धीरे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन फ्रॉग में थी, तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉग में होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो गए निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, लाइफ कहां पर आ गई, लैंड पर। क्लियर है सर बेटा? तो जो हमारे बाद जो हमारी जनरेशन आएगी सर, उसमें तो धीरे धीरे करके ये भी चला जाएगा ना? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन फिनिश हो जाएगी, पर बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन किस स्पीड से फिनिश होते हैं ये कोई पता नहीं ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अभी भी है, और कितना टाइम लगेगा नहीं पता हमें आगे एवोल्यूशन में। ओके क्लियर? सर, हाँ नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा, एक बार जरा रेप्टाइल्स देख लेते हैं आपके लिए। बोल बेटा, इसमें फिर एक्सक्रीशन अधोलोटा की होती है ना? बेटा एक्सक्रीशन तू मुझे बता, जो फ्रेश वाटर में रह रहा है, फ्रेश वाटर वाला जो है उसके साथ नुकसान ये है कि पानी निकल सकता है ना, और जो मरीन में है या लैंड पर है, देख लैंड वाला तो होगा यूरियोटेलिक, लैंड वाला क्या होगा, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक क्लियर? और जो फ्रेश वाटर में होगा उसके अंदर पानी घुस रहा होगा, सॉरी, तो वो अमोनोटेलिक होगा। तो लार्वा जो होगा टैडपोल लार्वा, वो क्या होगा, अमोनोटेलिक। यूरियोटेलिक हाँ, और वो क्या होगा हमारे पास, वो यूरियोटेलिक। कोई डाउट यहां तक? बोलो बेटा, क्लियर नो सर। है यहां तक सबको? हाँ सर बेटा, डेवलपमेंट इनडायरेक्टली, इसका मतलब आप ही समझा दो। दोबारा बता रहा हूं, देख ध्यान से, देख एग है,
एग से क्या बन जाए, लार्वा, और लार्वे से एडल्ट बने। एग का मतलब यहां पर जाइगोट होना चाहिए, तो इसे इनडायरेक्ट कहते हैं। तो फिश में भी बेटा हमारे पास जो था एग तो था उसमें, पर डायरेक्ट डेवलपमेंट थी दोनों में। यहां पर खाली एम्फीबिया ऐसा है जिसमें इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब बीच में लार्वल स्टेज बनना। बच्चे बूफो और राना साइज का फर्क होता है, दोनों फ्रॉग है लेकिन फ्रॉग और टॉड अलग अलग होता है। टॉड बड़ा होता है, सही है, टॉड क्या होता है, बड़ा होता है कंपेरेटिवली, ये फर्क होता है। ठीक बेटा, हाँ। अब हमारे पास इसमें आ गए हम लोग, देखो विधिमा समझ आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर जाइगोट से डायरेक्टली क्या बन जाए, एडल्ट बन जाए, तो उसे कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, नहीं तो इनडायरेक्ट बोलते हैं। अब आ गया बेटे हमारे पास क्लास नेम रिफर टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, क्लियर। अच्छा, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, ये लैटिन वर्ड से लाए हैं रेप्टाइल वर्ड, और इनको ऐसा नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये क्रीपिंग है या क्रोल करते हैं, सही है, क्रीप या क्रोल करते हैं, उससे नाम लाए। अच्छा, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। मैं एक चीज और बता रहा हूं बेटा आपको, मोस्ट ऑफ द इनका हैबिटेट ड्राई है, ड्राई हैबिटेट होता है, ड्राई जगह। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स कहां मिलेंगे, डेजर्ट में सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स कहां मिलते हैं, डेजर्ट में। स्नेक वगैरह का नेचुरल हैबिटेट डेजर्ट होता है बेटा। देखो, डाइजेशन में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है इनकी, इनकी एलिमेंट्री कैनाल नॉर्मल होती है, कंप्लीट होती है। रेस्पिरेशन रेप्टाइल्स में भी कैसे होता है, लंग्स के थ्रू। सर्कुलेशन सुन लो ध्यान से बेटा, कितने चैम्बर हर्ट है, 3। इससे पिछले वाले में भी 3 था, पर कुछ में 4 चैम्बर होता है। कौन कौन है वो, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर। बेटा मैक्सिमम में 3 चैम्बर है, और बहुत सारों में कितना होता है हमारे पास, समझ आ रहा है, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर वाले कौन है, क्रोकोडाइल एलिगेटर। क्रोकोडाइल एलिगेटर में फर्क होता है भाई, एलिगेटर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, पतली चोंच होती है उसके ऐसे, क्लियर। क्रोकोडाइल थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ब्रॉड वो होता है, क्लियर। अच्छा, ये कौन से है भाई, वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड आखिरी के दो ग्रुप है, मैमल्स और बर्ड्स, वो वार्म ब्लडेड होते हैं, क्लियर। अब जरा ये देखो बेटा, अब हम इनके उसमें आ गए स्केलेटल में। स्केलेटल मतलब आउटर, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सब में एंडोस्केलेटन किसका है, बोन्स का। इनमें एंडोस्केलेटन किसका है, बोन्स की बनी हुई बोन्स है। लेकिन जो एक्सो है, एक्सो का मतलब बाहर, उसमें क्या होता है, ड्राई कॉर्निफाइड का मतलब बच्चे उसमें हमारे तरीके से किरेटिन है। किरेटिन समझ आता है, जो तुम्हारे बालों में होता है, नेल्स में, हेयर में, ये प्रोटीन नेल्स और हेयर में होती है, और इसमें से पानी आर पार नहीं जा सकता। तो कॉर्निफाइड किरेटिनाइज टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स और स्क्यूट्स। देखो क्या होता है स्केल्स और स्क्यूट्स, इसे स्केल्स कहते हैं। स्केल दिख रहा है सबको, ये स्टिक पर होता है, और जो क्रोकोडाइल होता है उस पर ये होता है, इन्हें स्क्यूट्स कहते हैं। स्क्यूट्स दिख रहा है, स्केल से अलग होता है थोड़ा सा बेटा। अच्छा, ये इतने हार्ड होते हैं, नहीं समझ में आया क्या चीज सर, स्केल्स में और स्क्यूट्स में डिफरेंस मेरे को समझ नहीं आया। ये स्केल्स तेरे पास होते हैं, इस पर क्या नाम है, स्नेक्स में। स्केल्स स्नेक्स में होते हैं, स्क्यूट्स क्रोकोडाइल पे होते हैं। दोनों स्ट्रक्चर हार्ड होते हैं। स्क्यूट्स जो होता है बेटा थोड़ा फ्लैट सा होता है, पर हार्ड होता है ये भी बहुत। अब ये क्योंकि ग्लैंड्स एब्सेंट होती है इनमें, तो इस वजह से सरफेस क्या होता है इनका, ड्राई होता है। इनका सरफेस क्या होता है, ड्राई होता है और हार्ड होता है, क्लियर। और इनके सरफेस पे स्क्यूट्स स्केल्स, स्क्यूट्स होते हैं क्रोकोडाइल में और स्केल्स होते हैं स्नेक्स में, समझ आ रहा है। अब बता, यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें ध्यान सुन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर हार्ड लेयर है, ध्यान से देखना, ये हार्ड लेयर है, किसके बाहर है,
आउटसाइड एनी ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर हमारे पास हार्ड लेयर है, मतलब काफी हार्ड लेयर है किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर, काफी हार्ड लेयर है किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर, काफी हार्ड लेयर है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर काफी हार्ड लेयर है, अगर उसको ग्रोथ करनी है, अगर उसको क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, तो उसको पहले हार्ड लेयर हटानी पड़ेगी, ग्रोथ करना पड़ेगा और फिर नई हार्ड लेयर लानी पड़ेगी। ये समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ आ रहा है? क्या कह रहा हूं, अगर किसी के बाहर, देखो हमारे अंदर बोन्स है तो स्किन डेड हो सकती है, चलो ठीक है, लेकिन अगर हमारे बाहर हार्ड लेयर होती तो अंदर से नहीं बढ़ सकता, उसको शेल तोड़नी पड़ेगी। ऐसा ही किसके साथ होता है, स्नेक्स और लिजर्ड्स के साथ, वो अपनी स्किन को हटाना पड़ता है क्योंकि स्किन पे स्केल्स हैं, उसे हम कहते हैं मोल्टिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग, केचुली उतारना, स्किन को मोल्टिंग होता है ना। मोल्टिंग क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि बाहर वो हार्ड लेयर है, वो ग्रो नहीं कर सकते उसके बिना। नहीं आई समझ? आ गई सर? मुझे नहीं आई है? सर मुझको नहीं आई बेटा। सर एक बार ये मोल्टिंग वाला पार्ट बता दो। मुझे भी नहीं। अरे मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम समझ नहीं करोगे। मैं कह रहा हूँ इनके बाहर एक हार्ड लेयर है, एक हार्ड स्केल्स की बनी हुई लेयर है, अगर इन्हें ग्रो करना है तो मुझे खुद से बताओ कि कोई किसी चीज के अगर बाहर हार्ड लेयर हो और उसको अंदर से ग्रो करना हो, जब तक वो हार्ड लेयर हटेगी नहीं, ग्रोथ तो नहीं हो सकती। यस सर। वो क्या करेगा, ईयर वाइज ये हार्ड लेयर हटा देगा, हार्ड लेयर हटाने के बाद ग्रो करेगा और फिर नई हार्ड लेयर बनाएगा। ये हार्ड लेयर अपने आप हटेगा बेटा? सर ये हार्ड लेयर अपने आप हटेगी? बच्चे मुझे एक चीज बता, अगर वो अंदर से, वो देख ग्रोथ कैसे करते हैं, ध्यान से देख, इधर देख तो समझ आ जाएगी मेरे पास। मान ले ये है, ये स्नेक है, इसके सरफेस पे ये स्केल्स हैं, अगर वो अंदर, ये अंदर वाले एरिया में नए स्केल्स बना ले तो ये बाहर वाले अपने आप फट जाएंगे? थोड़ा सा ग्रो कर जाए, थोड़ा सा ग्रो कर जाए और नए स्केल्स बना ले तो बाहर वाले अपने आप फटने लगेंगे? Yes, बोलो। यस सर। उसे कहते हैं मोल्टिंग, ये लिखा है ना। मोल्टिंग तब होती है जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है। हाँ, मोल्टिंग तभी होगी जब ग्रोथ हो रही होती है, और मोल्टिंग करने के लिए स्नेक और लिजर्ड कास्ट देयर, कास्ट का शेड देयर स्किन कास्ट, कास्ट का मतलब होता है जो हार्ड कवर है उसको वो गिरा देते हैं। लिजर्ड में हार्ड लेयर होती है? क्यों, तूने उस पे नहीं देखा, ये वाले देखे नहीं है तूने, लिजर्ड में हार्ड लेयर होती है, ड्रैगन लिजर्ड भी होता। ये वाला, ऐसे लिजर्ड नहीं देखे तूने? चैमेलियन ऐसे होते हैं लिजर्ड हमारे पास, जिनके इस तरह हार्ड लेयर होगी स्किन पे। अच्छा एक चीज और बेटा, इसे कारापेस कहते हैं जो इसके ऊपर होता है, जो बहुत हार्ड होता है। असल में तीन तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं रेप्टाइल्स में, एक तो टॉर्टोइज और टर्टल आता है, एक स्नेक्स आते हैं, और एक आपके पास क्रोकोडाइल वाला ग्रुप आता है। सर अब ये टॉर्टोइज और टर्टल में क्या डिफरेंस है? एक पानी में होता है, एक लैंड पर होता है, एक हर्बीवोर होता है, कार्निवोर होता है। मैंने पहली बार सुना है टर्टल पानी में। कार्नी वाला कौन सा होता है? टर्टल कार्निवोर। कार्निवोर टॉर्टोइज होगा ना शायद, मैं एकदम श्योर नहीं हूं, पर पानी में टर्टल होता है। टर्टल मैंने पढ़ा हुआ है ना। टर्टल छोटा होता है बेटा, क्लास में पढ़ा था, वाटर में रहता है, तुमने उसमें पढ़ा होगा, टर्टल छोटा होता है, उसको पकड़ लेते हैं आराम से, ठीक है। ये कारापेस का मतलब समझो ना, इनके ऊपर एक कारापेस होता है, ये वाला देखा, बहुत हार्ड होता है। हाँ सर। यस सर। इसको कारापेस कहते हैं। स्क्यूट स्केल और कारापेस समझ आया कि नहीं बताओ? स्क्यूट्स होते हैं। यस सर। बेटा ये भी हार्ड वैसे ही होगा, केराटिन होगा हार्ड वाला, क्योंकि इनके लेग पे भी होता है ना? नहीं लेग्स पे नहीं होता। तो फिर ग्लैंड्स होंगे इनके पास? लेग्स पे हो सकता है ग्लैंड्स, ये लेग और हेड तो अंदर कर लेते हैं। ये नहीं हटाते इसको, कारापेस अंदर डेवलप हो जाएगा तो बाहर वाला क्या पता हट जाएगा।
मतलब ये मैंने मतलब इनकी कास्टिंग नहीं होती, क्योंकि कास्टिंग इसी चीज की होती है। ये देख सर टर्टल्स टॉयज कैसे बनता है फिर? बेटा, मैं तेरे को बता दूंगा एग्जैक्टली मैंने कभी इस चीज को देखा, ठीक है? पूछो सर जल्दी पूछो। हाँ जैसे मैंने कई बार देखा हुआ है वैसे कार्टून वगैरह में कि ये अपने आप को ऐसे अंदर करके डाल लेते हैं, और जो मोलस्का में जो शेल्स वाले होते हैं ना सर, वो भी मैंने देखा हुआ है मतलब कार्टून के अंदर हाँ कि ठीक है। वो अपने आप को अंदर डाल लेते हैं, तो सर इनका कोई स्पेसिफिक अरे फीचर सेम प्रोटेक्शन होता नहीं है होगा इनका, जैसे कि तो एक ही टाइप के है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो शेल्स अलग है, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट बहुत डिफरेंस है बेटा। हाँ तो फिर अपने नहीं आप को अंदर बेटा, डालते कैसे? वो खाली होगा ना, अंदर से होलो होगा। अगर इन्हें निकलना हो तो कैसे निकलेंगे? तुम्हें पहले मुझे बता कारापेस समझ आ गया एग्जैक्टली है क्या? हाँ सर, यस हाँ बिल्कुल, तो याद करो ना तुम। सर कारापेस में मोल्टिंग नहीं होती मतलब जो आपने नहीं होनी बोली चाहिए, ये होलो होता है नीचे मतलब बेटा। होती नहीं उसमें हाँ तो वो बॉडी से चिपका भी नहीं होता, क्या चीज? वो चिपका हाँ बनी तभी है ना। मोल्टिंग नहीं होती उसमें। चलो नेक्स्ट टॉपिक कारपेस साथ के साथ ग्रो करता है जैसे जैसे टर्टल और टॉर्टोइस ग्रो करते पर, हैं? कंपेटिवली ग्रो करता है, क्योंकि आप एक चीज समझो, ये अंदर से हॉलो होता है तो ये कंपेटिवली ग्रो करना चाहिए। उस तरह की मोल्टिंग नहीं होती, जैसे स्किन सारी इकट्ठी गिरती है उसमें, क्या नाम है, स्नेक्स में, और उस वक्त वो काफी ज्यादा उस कंडीशन में होता है कि उसे पकड़ा जा सकता है, तो वो चीज तो मतलब उसी के लिए मतलब। अब सुनो ध्यान से, इनमें कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, ये याद आया? एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग तो पिछले वाले ग्रुप में भी नहीं थी, उसमें यही था मेन ईयर, मिडल टिम्पेनम। लेयर तो इनमें भी क्या है, टिम्पेनम कान है, ये नहीं होता, ये हमारे अंदर है, ये ट्यूब है ना हमारे अंदर। बोलो बेटा। यस सर यस सर, यस इसे सर कहते हैं, देखो सर इसे बोलते वायरस हैं, बाहर उठा किया जाता है? हाँ इसे एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, उसके बाद मिडल ईयर आता है, फिर इंटरनल ईयर आता है, तो इसमें मिडल और इंटरनल ईयर होगा, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। और इसमें क्या होता है, हमारे पास टिम्पेनम ईयर है इसका। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन को लेके, याद रखो बेटा इनमें भी सेक्सेस सेपरेट है, पर ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ये ओवी पेरस होते हैं, पर कौन सा एग ले करेंगे फर्टिलाइज, और डेवलपमेंट कैसी होगी, डेवलपमेंट डायरेक्ट कैसी होगी बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट सर। और बेटा। लार्वा सिर्फ तेरे पास एम्फीबियंस में बनते हैं, कॉर्डेट्स में, और बनते नहीं किसी में। वैसे फिफ्थ में मतलब अपनी एनसीईआरटी के उसमें पढ़ा हुआ है फिफ्थ क्लास में कि जिनके टिम्पेनम होते हैं वो ओवी होते हैं, तो सर हर बार सच में ऐसे ही होता है मतलब जिनके टिम्पेनम होते हैं, जिसके मतलब सर जिसके एक्सटर्नल ईयर नहीं होते इंटरनल होते हैं सिर्फ, वो हमेशा ओवी पेरस होते हैं? जिनके एक्सटर्नल ईयर नहीं होते वो ओवी पेरस होते हैं। हाँ हो सकता है, ओके सर पॉसिबल है। अब देखो, चिलोन को टर्टल कह रहे हैं, टेस्ट्यूडो को टर्टाइज कह रहे हैं, कैमिलियन या चमिलियन जो बोल लो, वो लिजर्ड होती है, ट्री लिजर्ड, गिरगिट होता है बेटा, नहीं ट्री गार्डन लिजर्ड होगा, क्या लो ये वाला, ठीक है, ये ट्री लिजर्ड अलग है, गार्डन लिजर्ड होगा आपका गिरगिट, कैलोट्स कहते हैं जिसे, क्रोकोडाइल है, समझ में आ रहा है, क्रोकोडाइल है, ये जीनस लिखे हुए हैं, ये समझ आ रहा है सबको, ये सारे जीनस हैं, यस सर और ये इनके क्या है, कॉमन नेम, ठीक सर है, हेमिडेक्टाइलस छिपकली को बोलते हैं। डालमेंट हाँ बेटा, छिपकली नहीं है, क्या क्या डायमंड छिपकली नहीं होती, नहीं होती, कैमेलियन छिपकली, सेलामेंडर, सेलामेंडर सेलेमेंडर तो एम्फीबिया है, सर वो तो छिपकली सी है। नहीं सब ये है छिपकली, हेमिडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड कह रहे हैं जिसे, ये होती है। स्नेक देख लो बेटा, एक आपके पास कोबरा है, कोबरा जो होता है हमारे पास, ये विवीपेरस होता है, बाकी सारे ये ओवीपेरस होते हैं। नाजा किसका नाम है, याद करो, मैंने पढ़ाया था नाजा, नाजा नादा नादा
बताया कोबरा किंग कोबरा का नाम था। बैंगेरस क्रेट को कहते हैं, वाइपर जो है हमारे पास वाइपर है बेटा, पहले स्नेक्स में बहुत पढ़ाया जाता था, अभी नाम याद करो क्योंकि आपके सामने एनिमल किंगडम का कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आया नहीं है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा करके कुछ होगा नहीं। एक चीज देख लो जो मैं आपको स्नेक के बारे में दिखाना चाह रहा हूँ, ये देख लो भाई, स्नेक जो भी देखता है वो टंग की मदद से देखता है, क्योंकि वो करता क्या है, स्नेक यहां से सेंस करता है टंग से अपनी, और उसको फोल्ड करके इस पे लगाता है, देखो ध्यान से बेटा, और ये ऑर्गन ब्रेन से जाके जुड़ा होता है, तो वो जो जो भी सेंस करता है वो टंग के थ्रू सेंस करता है। ये समझ आया नहीं आया? यस सर। बोलो। तो इसका रिएक्शन yes, बहुत तेज होगा। दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? इसका रिएक्शन टाइम बहुत तेज होता होगा। बच्चे टंग निकाल के वो चेक कर रहा होता है कि सेंस कर लेता है एनवायरनमेंट में क्या चीज है, और उसको ऐसे वो फोल्ड करके यहाँ टच करता है, और यहाँ से ब्रेन पे सिग्नल आता है कि उसने क्या देखा। तो एक तरीके से टंग सेंसरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा होता है इसके में। सर फिर आई क्यों होती है इसके? आई बेटा फोटो रिसेप्टर है उसका, प्रॉपर फंक्शन उसका रोल टंग से उसे पता चल जाता है। पर सर इसकी टंग ही काट दे तो ये मर जाएगा? बेटा मूवमेंट नहीं पॉसिबल है उतनी इसकी, ऐसा सच मरेगा नहीं। अगर मान ले वैसे तो, अगर मान लो वाइल्ड में छोड़ देंगे तो पक्का कन्फर्म मर जाएगा। इसमें वाइल्ड कंडीशन में, वाइल्ड में चलो इतना रिवाइज करो बेटा, मेरी बात में इतना रिवाइज करो। आपकी आपकी मैं संडे का शेड्यूल फिक्स करूंगा, मुझे ये बताना जरा 12:30 से 2 का शेड्यूल कैसा है, मुझे जरा सब लोग चेक करके नेक्स्ट वीक तक बता देना, मतलब कमिंग वीक में। कब का सर? डेट बताओ यार, संडे फिक्स करने के लिए कह रहा हूँ मैं टाइम। हाँ सर।